वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सांसद नायब सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने मोहल्ले में शराब ठेके खोलकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिसोदिया ने बैकडोर से आम जनता के पैसे को लूट कर दूसरे राज्यों में हो रहे चुनाव पर खर्च करने का काम किया है। हमने देखा है कि दिल्ली के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि हर मोहल्ले के अंदर ठेका खोल दिया, महिलाओं के लिए अलग से खोल दिया। ये गजब का इसकी ऐसी वो प्लानिंग है कि कोई युवा पढ़ ना सके। और किस प्रकार की उनकी सोच थी, किस प्रकार से बड़े शार्प माइंडेड से उन्होंने एक घोटाले को अंजाम दिया। और जब वो घोटाला आया, उसकी पूरी की पूरी जांच हुई है, उस जांच के अंदर वो दोषी पाए गए, तो कानून ने अपना काम किया है।